पासपोर्ट एक्ट जो है, जो फॉरेनर एक्ट है, फॉरेनर एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था 1946 में, उसमें अगर कोई फॉरेनर बिना वीजा के, बिना अनुमति के हिंदुस्तान में आता है तो उसके सेक्शन 14 में 5 साल की सजा है, 5 साल की सजा और जुर्माना है। और ये जो है, औरत खुद आई और 4 बच्चों को लाई, तो 5 लोगों को लेके आई, तो उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ये जो है देश में एक मोदी मीडिया का एक षड्यंत्र है जो चल रहा है, और वो समझता है कि पूरे देश की जनता बेवकूफ है, नालायक है, गधी है। किसी भी नालायक एंकर को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का कानून किसी शादीशुदा महिला से दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को कितना दंड देता है। लव जिहाद में क्या मानते हैं हम लोग? हम लोग मानते हैं कि हिंदू महिला को फुसलाकर अगर इस्लाम का कोई आदमी उसका धर्म परिवर्तन कराता, उससे शादी कराता है, तो उस पर कहेंगे लव जिहाद में, इस पर केस दर्ज हो। अब ये वाला मामला जो है रिवर्स लव जिहाद है, मुस्लिम महिला को फुसलाकर एक हिंदू आदमी ये कहता है कि मैं तेरे से शादी कर रहा हूं, और वो कहती है मैं इसकी पत्नी हूं, तो ये रिवर्स लव जिहाद हुआ नहीं हुआ? ये वो सारे लोग हैं जो भाजपा के गुलाम हैं, भाजपा के इशारे पे काम करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे में मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ, ये नहीं पता। तो भारत के कानून में एक धारा है आईपीसी की 494, वो कहती है अगर कोई पत्नी या पति अपनी पत्नी या पति के जिंदा रहते दूसरी शादी करता है तो उसकी सजा 7 साल सजा है। सोनिया गांधी भी विदेशी है, वीजा के साथ वो हिंदुस्तान आई, उसने राजीव गांधी से जो है कोर्ट मैरिज की इसी तरह की। और ये सारे के सारे जो संघी हैं, आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उस औरत को आज भी कहते हैं ये जासूस है। यानी जो जासूस हिंदुस्तान में आई है उसको तो ये पलक पावड़े बिछा कर कह रहे हैं कि इसको हिंदुस्तान में जो है परमिशन दे दो, हिंदुस्तान में नागरिकता दे दो। सीमा इसका जो नाम रखा है, इसका जो पासपोर्ट बनाया है, वो फर्जी पासपोर्ट है। अगर इसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा ये पाकिस्तान की नागरिक भी नहीं है, ये अफगानिस्तान की भी नागरिक नहीं है, ये ऐसी महिला है जो पाकिस्तानी सेना की, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी सेना की ISI की एजेंट है ये आप लिख लो इस बात। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, एक सवाल है। पिछले 4-5 दिन से गोदी मीडिया यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक महिला को लगातार दिखा रहा है, कभी जी न्यूज, कभी आज तक, कभी TV 900, मतलब कभी TV 9, कभी TV 100, हर जगह एक महिला का चर्चा है। नाम है सीमा हैदर, जो कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से आई है। उसका नाम, पूरा नाम सीमा हैदर है, और उसने ग्रेटर नोएडा के एक शख्स जिसका नाम है सचिन, उससे शादी की है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वो इलीगल तरीके से भारत में दाखिल हुई है तो उसकी जमानत कैसे हो गई? दूसरा यह कि वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही है? तीसरा सवाल यह है कि क्या ये कोई प्रायोजित ढंग से, यानी कि स्क्रिप्टेड ढंग से, कोई 2024 के लिए जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कोई प्रोग्राम है, क्या है सर जरा बताएं। एक बड़ी विचित्र सी बात है, जितने भी चैनलों का नाम आपने लिया, जो सीमा हैदर को दिखा रहे हैं, सचिन मीणा को दिखा रहे हैं, उसके पिता को दिखा रहे हैं, और सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर को दिखा रहे हैं, जी ये सारे इतने अनपढ़, गंवार और जाहिल हैं कि इन्हें हिंदुस्तान के किसी भी कानून का रत्ती भर भी पता नहीं। ये वो सारे लोग हैं जो भाजपा के गुलाम हैं, भाजपा के इशारे पे काम करते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उस मुद्दे में मुर्गी पहले हुई या अंडा पहले हुआ, ये नहीं पता। जी इनमें किसी भी नालायक एंकर को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान का कानून किसी शादीशुदा महिला से दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति को कितना दंड देता है। किसी को ये नहीं पता कि किसी शादीशुदा महिला के साथ रहकर यौन संबंध बनाने वाले की सजा क्या है। किसी को यह नहीं पता कि हिंदुस्तान में जो पासपोर्ट एक्ट 1946 में बना था, जिसमें कि हिंदुस्तान में लोगों को आने की किस तरह की अनुमति है, अंग्रेजों के टाइम बना था, उसमें क्या प्रावधान है। और जी किसी को यह नहीं पता कि पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया रूल्स जो कि 1950 में बने थे और उससे पहले अंग्रेजों ने 1920 में बनाए थे, वो क्या है। यानी कि पूरा देश नालायकों द्वारा चलाया जा रहा है, और ये मोदी सरकार की एक बड़ी सफलता है कि उसने पूरे देश के किसी भी पत्रकार को ये नहीं समझाया कि
कि वो देश के कानून का इतना तो सम्मान करें। सम्मान कब करेंगे, जब उन्हें कानून के बारे में पता होगा। उन्हें कानून के बारे में कोई बताएगा, कोई राज्य सरकार का कोई अधिकारी बताएगा, कोई पुलिस महकमे का आदमी बताएगा। यानी कि ये देश जो है बिना कानून बिना कायदे के चल रहा है, और ये सीमा हैदर का केस ये प्रूव करता है। अब मैं आपको पुरानी जगह ले जाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा 4-5 साल पहले जब से योगी सरकार आई, तब से एक आ गया कि रोमियो स्क्वाड बनाई जाएगी। हम लव जिहाद के खिलाफ है, और लव जिहाद क्या है कि एक धर्म की लड़की को फुसलाकर, अगर उसका धर्म परिवर्तन कराकर अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति उससे प्रेम विवाह करता है, शादी करता है, तो उसे क्या माना जाता है? लव जिहाद। लव जिहाद में क्या मानते हैं हम लोग? हम लोग मानते हैं कि हिंदू महिला को फुसलाकर अगर इस्लाम का कोई आदमी उसका धर्म परिवर्तन कराता है, उससे शादी कराता है, तो उस पर कहेंगे लव जिहाद में, उस पर केस दर्ज हो। अब ये वाला मामला जो है रिवर्स लव जिहाद है। मुस्लिम महिला को फुसलाकर एक हिंदू आदमी ये कहता है कि मैं तेरे से शादी कर रहा हूं, और वो कहती है मैं इसकी पत्नी हूं, तो ये रिवर्स लव जिहाद हुआ नहीं हुआ? यानी भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि पर मुझे लगता है पत्थर पड़ गए हैं। ये जो है पागल हो गए हैं, और इनके अंदर विवेक खत्म हो गया। अब जितने चैनलों की आपने बात की, मैंने कई चैनलों के इंटरव्यू देखे, वो उसके पति को कहते हैं भाई तुम इसको तलाक क्यों नहीं दे देते? ये औरत झूठी और बेईमान और मकार है। जो यानी जो कभी तो कहती है ये मेरी पत्नी, ये मैं इसका पति, ये मेरा पति है, कभी कहती है जी इसने मुझे जवानी रूप में पहले तलाक दे दिया, फिर कभी कहती है जी इसने 2 बार मुझे तलाक दे दिया। ये औरत जो है फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, और गुलाम हैदर भी अनपढ़ परिवार का है। और ये औरत ये 5 पासपोर्ट रखती है, 4 बच्चों को लाती है, उन 4 बच्चों के किसी की फोटो नहीं देखी, किसी का नाम किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता उन बच्चों की उम्र क्या है। वो बताती है जी सबसे बड़ा बच्चा 8 साल का है, बाकी बच्चों की उम्र मैं नहीं बताऊंगी। तो ये जो है देश में एक मोदी मीडिया का एक षड्यंत्र है जो चल रहा है, और वो समझता है कि पूरे देश की जनता बेवकूफ है, नालायक है, गली है। और ये सवाल मेरा सबसे अहम जो है कि अगर बिना वीजा के कोई देश में दाखिल होता है तो उसकी सजा क्या है? क्या इतनी आसानी से जमानत मिल जाएगी देश में रहने लायक? पासपोर्ट एक्ट जो है, जो फॉरेनर एक्ट है, फॉरेनर एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था 1946 में, उसमें अगर कोई फॉरेनर बिना वीजा के बिना अनुमति के हिंदुस्तान में आता है तो उसके सेक्शन 14 में 5 साल की सजा है, 5 साल की सजा और जुर्माना है। और ये जो है औरत खुद आई और 4 बच्चों को लाई, तो 5 लोगों को लेके आई, तो उसको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? दूसरा, मैंने आपको बताया कि पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया रूल्स है, उन रूल्स में भी यही बात लिखी है कि कोई आदमी अगर बिना किसी यानी परमिशन के हिंदुस्तान में घुस आता है तो घुसपैठिया है वो। वो हिंदुस्तान में आई है, और उस औरत का चरित्र देखिए वो क्या है। वो जो है उसका भाई जो है पाकिस्तान की सेना में एक अधिकारी है, उसके बाद 5 पासपोर्ट है, और उन 5 पासपोर्टों से पहले कैसे नेपाल पहुंची उसका अगर जिक्र आप देखोगे तो पहले वो दुबई गई, दुबई से फिर वो जो है नेपाल गई, नेपाल से फिर वो जो है पोखरा के रास्ते जो है हिंदुस्तान आई, और वो जो है ग्रेटर नोएडा में रह रही है। वो पकड़ी कब गई? जब उसने सचिन मीणा से शादी के लिए वहां की कोर्ट में वहां की अदालत में गई ग्रेटर नोएडा की, और एक वकील को अपने पासपोर्ट दिखाए, क्योंकि शादी से पहले जब भी आप कोई कोर्ट मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करने गई थी वो, कोर्ट मैरिज करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में ये प्रावधान है कि आपको अपना स्टेटस बताना पड़ेगा कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं सिंगल हूँ, मैं अविवाहित हूँ, मैं यानी विधवा हूँ, उसको बताएगी। तो उसे बताया मेरी तो शादी हुई है, मेरा पासपोर्ट है, तो इसका मतलब उसका पति जिंदा है। और अगर पति जिंदा है तो भारत के कानून में एक धारा है IPC की 494, वो कहती है अगर कोई पत्नी या पति अपनी पत्नी या पति के जिंदा रहते दूसरी शादी करता है तो उसकी सजा 7 साल सजा है, 7 साल। और सरला मुद्गल का जो केस है, जो अब जो बार बार चल रहा है कि हमें जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, उसमें सरला मुद्गल के केस का जिक्र बार बार होता है, और उसमें यह जिक्र है कि सरला मुद्गल वाले केस में वो एक कल्याणी संस्था की अध्यक्षा थी, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका लगाई और ये कहा कि जितेंद्र माथुर नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी के रहते हुए एक दूसरी लड़की थी जिसका नाम सुनीता नरूला था, उससे उसका नाम बदलकर फातिमा रख दिया उसका नाम, और अपना मुसलमान नेम रख लिया, और फिर उससे शादी कर ली। उससे शादी करने के बाद उसको एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो पत्नी, पहली पत्नी के पास लौटने के लिए जो जितेंद्र माथुर था उसने अपना धर्म परिवर्तन फिर किया, वो हिंदू धर्म में आ गया, और हिंदू धर्म में आकर उसने कहा कि मैं तो अब तेरे साथ रहूंगा। जो सुनीता नरूला उर्फ फातिमा थी उसने कहा कि मेरा बच्चा है और मैं इस्लाम को मानती हूँ, लेकिन इस्लाम में
जो पर्सनल लॉ है उसमें ऐसी परित्यक्ति जिसका पति ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। तो ऐसी चार केस जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और तब जस्टिस कुलदीप सिंह उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में धारा 494 है जिसमें पति के रहते अगर कोई आदमी शादी करता है चाहे धर्म बदल ले, धर्म बदलने से उसका स्टेटस या अपराध खत्म नहीं होता। और तब जितेंद्र माथुर को 7 साल की सजा मिली, 7 साल की सजा मिली क्योंकि उसे मान लिया था मेरी दूसरी पत्नी। तो सीमा हैदर जो कहती है मैं सचिन मीणा होने वाली हूं उसको भी 7 साल की सजा मिलेगी, और उसको 7 साल सजा के साथ साथ 497 धारा है जो कहती है कि अगर कोई किसी की विवाहित पत्नी से सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, संबंध रखता है तो उसको भी 5 साल की सजा मिलेगी। तो सचिन मीणा को भी सजा मिलेगी और सीमा हैदर को भी सजा मिलेगी। यहाँ पर एक सर ये भी है कि सेशन कोर्ट ने किस आधार पर जमानत दे दी जबकि मामला एनआईए और बहुत सारी एजेंसियों का था। ये इसलिए है क्योंकि ये आप समझिए हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक या दो आदमी है जो हिंदुस्तान के कानून को नचाते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला है तो उसमें योगी आदित्यनाथ भी घुस गए। तो 3 आदमी हैं जो इस देश के कानून को नचाते हैं। वो समझते हैं कि एक ऐसा हमने अजीबोगरीब जानवर पकड़ लिया है जिसको लेकर हम जो है अपने चैनलों पर बहस चलाएंगे और लोगों को जो वास्तविक मुद्दे हैं अडानी का है, अंबानी का है, राहुल गांधी की सजा का है, देश में बाढ़ आई हुई है उसका है, मणिपुर के जलने का है, उनसे लोगों का ध्यान भटका देंगे और सब लोग सोचेंगे वाह वाह कितने प्रेम में पगी हुई औरत है, हिंदुस्तान आई है और हमें जो है ऐसी औरत का सम्मान करना चाहिए। आप इसी में मैं एक दूसरी औरत की जिक्र करता हूँ, वो औरत है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी भी विदेशी है, उसने भी हिंदुस्तान के एक आदमी से प्यार किया और उसने भी हिंदुस्तान में शादी की। बस फर्क यह है कि वो शादीशुदा नहीं थी, कुंवारी औरत थी, वीजा के साथ वो हिंदुस्तान आई, उसने राजीव गांधी से जो है कोर्ट मैरिज की इसी तरह की। और ये सारे के सारे जो संघी है आरएसएस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उस औरत को आज भी कहते हैं ये जासूस है। यानी जो जासूस हिंदुस्तान में आई है उसको तो ये पलक पावड़े बिछाकर कह रहे हैं कि इसको हिंदुस्तान में जो है परमिशन दे दो, हिंदुस्तान की नागरिकता दे दो, इससे कोई गलत काम नहीं किया है। यानी दुनिया का सबसे अनैतिक काम आज के समय में जो हिंदुस्तान में ये सीमा गुलाम हैदर कर रही है, ये जो लड़का है सचिन मीणा ये कर रहा है, उसके लिए तो ये दिल खोल के बैठे हुए। और सोनिया गांधी का नाम आते ही कहेंगे विदेशी महिला है, विदेशी मूल की महिला है, विदेश चाणक्य को घुसेड़ देंगे बीच में, कहेंगे चाणक्य ने कहा था कि विदेशी मूल की महिला के अगर बच्चा हो तो वो देश का भक्त नहीं हो सकता। यानी कि चाणक्य ने जो बात नहीं कही वो भी चाणक्य के मुंह में डाल देते हैं। यानी इन्होंने गधों ने कभी चाणक्य को भी नहीं पढ़ा मुझे लगता है, क्योंकि चाणक्य के समय में विदेश की भूमिका ही नहीं थी, पूरा देश हिंदुस्तान जो है एक ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। तो ये उसमें वो भी घुसेड़ देंगे, फिर कहेंगे सोनिया गांधी तो बारवाला थी। तो ये ऐसी बात है कि आप ये समझ लीजिए इस सारी घटना ने भारतीय जनता पार्टी को चौराहे पर नंगा कर दिया है। और मेरे जैसा आदमी जो कानून को जानता है, मैं ये मानता हूं कि इन नालायकों को, इन गधों को किसी भी तरह से कोई शिक्षा नहीं है। ये ना इतिहास जानते हैं, ना देश का संविधान जानते हैं, ना देश का विधान जानते हैं, ना देश का सम्मान जानते हैं। ये सिर्फ जो है टेलीविजन पर फर्जी बहस करते हैं और फर्जी बहस का नतीजा ये होता है कि लोगों को भ्रमित करते हैं और उसका एक ही मकसद होता है कि असली मुद्दों से लोगों का ध्यान कैसे भटकाया जाए। बहुत सही कहा आपने सर, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा ही लगता है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो सीमा हैदर नाम की ये लड़की जो बिल्कुल फर्राटेदार हिंदी भी बोलती है, इंग्लिश भी बोलती है, उर्दू उसकी जुबान में कहीं से कहीं नहीं तक जी, उसका पाकिस्तान के सेना का अधिकारी है, पाकिस्तान सरकार ने ISI ने उसे ट्रेंड किया है। आप देखो वो कंप्यूटर चलाना जानती है, कहती है मैं अनपढ़ हूँ कंप्यूटर चलाना जानती है, पबजी के थ्रू मैं इससे मिली। अब पबजी के थ्रू मिली तो आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 2020 में ही जब हमारी सेना के सैनिकों पर चीन ने हमला किया तो पबजी को बैन कर दिया। पबजी बैन था, अब बैन था तो वो कैसे चल रहा था? तो जिस चीज को भारत सरकार कहती है हमने बैन कर दिया है इसका मतलब वो ऑपरेटिव था। तो ये सारी साजिश, मैं दो बातें कहता हूं, इसमें ISI की भी साजिश है और इसमें हमारी सरकार की भी साजिश है। ये पुलवामा की तरह जो है, जैसे इन्होंने पुलवामा किया था अपनी मिली भगत से, RDS मंगाया, सैनिकों को मारा और चुनाव जीत लिया, ये पाकिस्तान का एंगल घुसेड़ कर, उसमें प्रेम और लव और दूसरी चीजें घुसेड़ कर हिंदुस्तान के अगले चुनाव को जीतने की भूमिका बना रहे हैं। ये घटनाएं पहली नहीं है, ऐसी कई घटनाएं मिलेंगी। अब
पूरे, मैं आपको कहता हूं जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, ऐसी कई सीमाएं हिंदुस्तान की सीमा को पार करके हिंदुस्तान में आ जाएगी। और आपको मैं आप बात फिर कहना चाहता हूं, किसी भी मुसलमान औरत का नाम बहुत ही मुश्किल है पाकिस्तान जैसे देश में कोई सीमा रखे। सीमा इसका जो नाम रखा है, इसका जो पासपोर्ट बनाया है, वो फर्जी पासपोर्ट है। अगर इसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा ये पाकिस्तान की नागरिक भी नहीं है, ये अफगानिस्तान की भी नागरिक नहीं है, ये ऐसी महिला है जो पाकिस्तानी सेना की, मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी सेना की ISI की एजेंट है ये आप लिख लो इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, क्योंकि आप इतने बहुत सारे मुद्दों पर हमसे बात करते हैं, इनका एनालिसिस जो होता है वो परफेक्ट होता है। और आज रविंद्र जी ने, क्योंकि कानून के ज्ञाता है, जानकार है, अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, एक लंबा अनुभव है और सब कुछ बताया कि अगर कोई इलीगल तरीके से भारत में एंट्री करता है तो उसकी सजा क्या होती है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जमानत मिली और वो खुशी खुशी बैठी है घर पे और मीडिया को इंटरव्यू दे रही है, कोई किसी तरह की इंक्वायरी नहीं चल रही है, तो एक अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। और जैसे कि रविंद्र जी ने कहा कि जांच होगी ये तो बात की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत नजर जरूर आती है। आप लोग आगे भी हम इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे नए अपडेट के लिए। तब तक आप इंडोज देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी और एपिसोड में रविंद्र जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत।